अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बताएंगे आपको कि पांच प्लेटों के ऊपर कैसे जो है ना आप ड्रिल मशीन या वेल्डिंग प्लांट चला सकते हैं। अगर वहां पर बिजली की सहूलत मौजूद नहीं है तो आपको जो है ना पांच प्लेटों का कनेक्शन करना पड़ेगा। ड्रिल मशीन चलानी हो, वेल्डिंग प्लांट चलाना हो या कोई चीज़ और चीज़ चलानी हो, तो ये इसके लिए सबसे बेहतर मौजू है। अगर आपके पास 545 या 550 वाट की प्लेटें मौजूद हैं, अगर वहाँ पर कोई भी सहूलत बिजली की मैसर नहीं है तो आप उसके ऊपर जो है ना पांच प्लेटों का कनेक्शन करके ना वेल्डिंग प्लांट या ड्रिल मशीन चला सकते हैं। अगर वो 545 वाट की या 550 वाट की प्लेटें आपके पास मौजूद हैं तो ये एक ट्यूबवेल के लगा रहे हैं, हम सिस्टम लगा रहे हैं ट्यूबवेल का, तो यहाँ पर हमें बिजली तो है नहीं, इसलिए हमने जो है कनेक्शन करना है इसका पाँच प्लेटों के ऊपर। साफ करना अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बताएंगे आपको कि पांच प्लेटों के ऊपर कैसे जो है ना आप ड्रिल मशीन या वेल्डिंग प्लांट चला सकते हैं। अगर वहां पर बिजली की सहूलत मौजूद नहीं है तो आपको जो है ना पांच प्लेटों का कनेक्शन करना पड़ेगा। ड्रिल मशीन चलानी हो, वेल्डिंग प्लांट चलाना हो या कोई चीज़ और चीज़ चलानी हो, तो ये इसके लिए सबसे बेहतर मौजू है। अगर आपके पास 545 या 550 वाट की प्लेटें मौजूद हैं, अगर वहां पर कोई भी सहूलत बिजली की मैसर नहीं है तो आप उसके ऊपर जो है ना पांच प्लेटों का कनेक्शन करके ना वेल्डिंग प्लांट या ड्रिल मशीन चला सकते हैं। अगर वो 545 वाट की या 550 वाट की प्लेटें आपके पास मौजूद हैं तो ये एक ट्यूबवेल के लगा रहे हैं, हम सिस्टम लगा रहे हैं ट्यूबवेल का, तो यहाँ पर हमें बिजली तो है नहीं, इसलिए हमने जो है कनेक्शन करना है इसका पाँच प्लेटों के ऊपर। साफ करना है जो ना, हमें सबसे पहले जो है ना इस प्लेटों के वोल्टेज चेक करने हैं, डीसी वोल्ट के कितने आ रहे हैं, उसके बाद ही हम जो है ना ड्रिल मशीन या किसी चीज़ का कनेक्शन देंगे। जिन्होंने मीटर बता रहा है कि इसके अंदर जो है ना 324 वोल्ट आ रहे हैं डीसी। मीटर को क्लोज कर लेंगे, ये देखें अब 333 डीसी वोल्ट आ रहे हैं। इसके ऊपर जो है हम सुकून से ड्रिल मशीन या वेल्डिंग चला सकते हैं। सेव कर लेंगे, हमने ये कनेक्शन कर दिया है। ये देखें वेल्डिंग प्लांट का कनेक्शन है और दूसरा ये वेल्डिंग प्लांट जो है ना इसके अंदर कनेक्शन चला गया। अब ये भाई जो ना इनके अंदर सुराख करना है, बिजली तो है नहीं और गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है इधर, तो ये भाई सुराख निकाल रहे हैं। हमने सोलर पैनलों का कनेक्शन किया इसके अंदर, अब देखते हैं कि भाई को और कितने कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी वोल्टेज की। पहले जो था हमने चार प्लेटों का कनेक्शन किया था वेल्डिंग चलाने के लिए,
लेकिन वो ड्रिल मशीन के लिए तो काफ़ी थे, लेकिन वेल्डिंग जो है ना बहुत पावर लेता है, इसलिए हमने 8 प्लेटों का कनेक्शन किया है इसके ऊपर। और वेल्डिंग अभी जो है ना बेहतरीन चल रहा है, ये भाई वेल्ड कर रहे हैं 8 प्लेटें जो है ना 545 वाट की 8 प्लेटों के ऊपर आप वेल्डिंग मशीन जो है ना डायरेक्ट चला सकते हैं। और इसके कनेक्शन जो है आपको माइनस प्लस में 8 के 8 जो है ना आपको माइनस प्लस में करने पड़ेंगे, तब जाके जो है ना वेल्डिंग प्लांट चलेगा। ये देखिए 8 प्लेटें हैं और वो भाई वेल्डिंग चला रहे हैं, और गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा है। ये देखिए भाई जैन जो है अभी 8 प्लेटों पे वेल्डिंग चला रहे हैं, एंगल लगा रहे हैं प्लेटों के लिए, और ज़बरदस्त करंट के साथ वेल्डिंग जो है ना वो चल रहा है बेहतरीन। दोस्तों ये देखिए 15 प्लेटें जो कनेक्शन है इसका फाइनल हो चुका है, टोटल की जब मैंने माइनस प्लस हमने क्रॉस किया है और इन्वर्टर लगाया है, ये 15 प्लेटें लगी हैं। और माशाल्लाह इसका पानी देखें, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा पानी है माशाल्लाह। ये देखें इसका पानी कंडीशन बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा पानी है। 10 HP की 7.5 HP की मोटर है, और इसकी जो है 15 प्लेटें लगी हुई हैं। पहले हमने इसकी सेटिंग की, वेल्डिंग चलाया, फिर उसके बाद जब हमने इसके टोटल सेट करके ना ये चालू किया है हमने माशाल्लाह। अभी देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा पानी दे रही है। अगर किसी भाई ने सोलर प्लेटें लगवानी है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ सेटिंग करके देंगे। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इंशाल्लाह।